तो वहीं आयुष विभाग के छात्र एवं छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 10 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के समक्ष अपनी 5 सूत्रीय मांगों को भी इन्होंने रखा है। आयुर्वेदिक छात्र संघ इंदौर द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आयुष विभाग के सभी छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा। इस मौके पर बड़ी संख्या में आयुष विभाग के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। आयुष विभाग के छात्र छात्राओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाने, आयुष विभाग की शाखा अलग बनाने, पीएससी के माध्यम से आयुष डॉक्टर्स की परमानेंट पोस्ट, आयुष औषधालय खोलने की मांग एवं आयुष विभाग के छात्र छात्राओं ने एलोपैथी से प्रैक्टिस करने की मांग प्रशासन के सामने रखी। हम आयुष विभाग के छात्र छात्राएं हम विगत 9 दिवसों से हड़ताल कर रहे हैं। आज हमारा 10वां दिन है। आज हम यहां प्रदर्शन करने आए हैं और मानव श्रृंखला बनाकर हम प्रदर्शन करेंगे ताकि शासन का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर सके। हमारी 5 मांगें हैं। सबसे पहली हमारी मांग है जो स्टाइपेंड है वो बढ़े और जो हमारा स्टाइपेंड रहता है वो CPI से लिंक हो। दूसरी हमारी मांग है कि एक पृथक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाए, MBMSU जो यूनिवर्सिटी है उससे आयुष विभाग की शाखा अलग की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो PSC की पोस्टें निकलती है AMO के लिए वो रेगुलर रूप से निकले ताकि वो रेगुलर रूप से हर साल आए। उसके बाद चौथी हमारी मांग है जन संकल्प योजना 2013 में जो निकाली गई थी उसमें 1000 औषधालय खोलने का वादा किया गया था, उसमें से सिर्फ 148 आज तक खोले गए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो और औषधालय खोले जाएँ। उसके बाद 5वीं हमारी मुख्य मांग ये है कि हम चाहते हैं जो एलोपैथी के पद्धति के द्वारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट का अधिकार हमें भी मिले, तो उसके लिए हमारी मांग है। कुल मिलाकर आयुष विभाग के सभी छात्र छात्राएं अपनी मांगे मनवाने के लिए विगत 10 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। MP की बात, MP News के साथ।